हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। अगर आप आईआईटी जैम 2024 को टारगेट करें तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आने वाले 10 दिन की स्ट्रेटेजी आपके लिए क्या होनी चाहिए अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हो। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो हमारा जो टारगेट रहने वाला है वो है 45+ मार्क्स हमारे कैसे आ जाए इस एग्ज़ाम में। सबसे पहले हम लोग इस एग्जाम को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। एनालिसिस इस प्रकार से है दोस्तों कि आपके पास अभी प्रॉपर एनालिसिस होगा ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि हमारे पास कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं वो आप जरा देखिए इस चार्ट में। रियल एनालिसिस से 2023 में क्वेश्चंस अपने पास 8, ग्रुप थ्योरी से लीनियर अलजेब्रा 12, ओडी से 7, इंटेग्रल कैलकुलस से 7, वेक्टर कैलकुलस तो अब नहीं पूछा जाता, फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल से 6 क्वेश्चंस। यानी कि इस एग्जाम को अगर आपको क्वालिफाई करना है तो रियल एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। दूसरी बात, लीनियर अलजेब्रा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और बाकी सारे सब्जेक्ट जो देखेंगे, ग्रुप थ्योरी हो गया, ओडी हो गया या इंटेग्रल कैलकुलस हो गया, तो ये टॉपिक्स भी लगभग 7-8 7-8 क्वेश्चंस इनसे भी पूछे जाते हैं, तो इनका भी कंट्रीब्यूशन 12-13 12-13 मार्क्स का तो रहेगा ही रहेगा। तो ये हैं कुछ एनालिसिस जो कि आप देख सकते हैं कि 2023, 22, 21 और 20 के पेपर्स में जो हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हैं। आगे चलते हैं, और ये मार्क्स हैं, ये सिर्फ 33+ ये 10 हम लोग मार्क्स कंसिडर करें, कंबाइन करें, तो रियल एनालिसिस अकेला 43 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। और ऐसा नहीं होगा कि 43 मार्क्स को आपको कोई आईआईटी नहीं मिलेगी। सिंपली अगर ग्रुप थ्योरी 13 मार्क के लिए, लीनियर अलजेब्रा 21 मार्क के लिए पूछा गया है, ओडी 12 मार्क के लिए, इंटेग्रल कैलकुलस 11 मार्क के लिए, तो ये टॉपिक्स छोटे छोटे हैं, इंटेग्रल कैलकुलस, ओडी, ग्रुप थ्योरी, लेकिन इनका इनका जो वेटेज है वो 12-13 मार्क्स जरूर है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास रियल एनालिसिस और दूसरा लीनियर अलजेब्रा है। एनालिसिस आपके पास प्रॉपर होगा ही होगा, साथ ही साथ आप कट ऑफ देख सकते हैं कि कट ऑफ हमारे पास जस्ट ये दिखा रहे हैं कि कट ऑफ क्या होता है, यानी कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, सिंपली क्वालिफिकेशन लाने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए। 2023 में 13,333 इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपियर हुए थे। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ हमारे पास 24.56, ईडब्ल्यूएस ओबीसी का कैटेगरी कट ऑफ हमारा 22 मार्क्स, और एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो हमारे पास 12.28 गया था। आउट ऑफ 100 इतना कट ऑफ जाता है, यानी कि 1/4 कट ऑफ जाता है अपना, 1/4 भी नहीं जाता कभी कभी भी। तो इतना कम मार्क्स के आप सब क्वालिफिकेशन हो जाता है, लेकिन सिर्फ क्वालिफाई होना नहीं, हमें अच्छे आईआईटी में जाना है, इसलिए हमें अच्छे मार्क्स लाना जरूरी है। क्वालिफिकेशन तो चलो हो जाएगा, लेकिन अच्छी आईआईटी मिलने के लिए आपको और मार्क्स लाने जरूरी होंगी। ये अपने पास अब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपियर होने का जो जो आंकड़ा है वो अब डे बाय डे बढ़ने ही वाला है, तो कंपटीशन यहाँ पर जरूर बढ़ने वाली है, ये आप जरूर ध्यान में रखिए। तो एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले आने वाले 10 दिन के लिए अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाइए कि मुझे 2 घंटे इसलिए देने हैं, 2 घंटे इसके लिए देने हैं, 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देने हैं, 2 घंटे रिवाइज करने के लिए दिए हैं, इस सब्जेक्ट के लिए इतना टाइम देना है, इस हिसाब से आप टाइम अपना डिसाइड करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई टॉपिक है जो बहुत कम मार्क्स के लिए पूछा जाता है और पूरा दिन उसी को लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए कि वेटेज के अनुसार आप उसको टाइम दीजिए। क्वेश्चंस प्रैक्टिस के ऊपर मैक्सिमम फोकस अभी अपना होना चाहिए। डेली रिविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम लोग एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो डेली रिवाइज करना ही करना है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना सारा पढ़ने के बाद याद ही नहीं आ रहा है एग्जाम, तो डेली रिवाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जहां से मिले वहां से करिए, कहीं से भी मिले, पीवाईक्यूज तो आपको लगाना ही लगाना है, साथ ही साथ कहीं से भी आपको क्वेश्चंस मिले तो उन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। साथ ही साथ अब पार्ट बी और सी में ये भी याद रखना है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो वहां पर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वहां पर, ठीक है। ये भी आपके मन में होना चाहिए एग्जाम क्वालिफाई करते समय कि
ऐसा नहीं होना चाहिए नहीं आ रहा है तो नहीं किया, जहां पर नेगेटिव मार्किंग है वहां रिस्क नहीं लेना है, लेकिन जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहां बिल्कुल सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। इसके बाद अब कैसे पाओगे वो मार्क्स, तो वो मार्क्स पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास तीन सेक्शंस में पेपर बटा हुआ है उन तीन सेक्शंस में अगर आप हाफ हाफ भी मार्क्स लेकर आते हो तो आसानी से आप 45% मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करने के पीछे मत भागिए, जहां पर नेगेटिव मार्किंग है वहां पर रिस्क नहीं लेना है, जो आ रहा है उसी को सॉल्व करना है, लेकिन जहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो वहां पर तो सारा ही अटेम्प्ट करना है। अगर आप तीनों पार्ट में से आधे आधे मार्क्स भी लेकर आओगे तो आसानी से आप 45+ मार्क्स लेकर आ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपना डेली रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की, और मॉक टेस्ट जरूर देना। मॉक टेस्ट आप जितनी ज्यादा दोगे उतना ज्यादा आपके लिए ये पता चलेगा कि आप कहाँ लाए करते हो, आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या हमारा क्वालिफिकेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। चलिए, तो मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा। सो ifsonline.com इस वेबसाइट के ऊपर भी आप जरूर विजिट करिए, वहां पर भी आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। सो इसी के साथ आज की इस वीडियो में हम लोग रुकते हैं। सभी को थैंक यू और हैप्पी लर्निंग।